हमसे सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहिए, आपने एप्लीकेशन दायर की है, एप्लीकेशन क्या है, विस्तार से बताइए और कोर्ट ने क्या आगे कोर्ट ने क्या बोला है आपको ऑर्डर से मालूम पड़ेगा। हमने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें हमने सिर्फ इतना कहा है कि उसको राइट टू डिसेंट बरियल जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डिसीज्ड का एज पर द रूलिंग ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट एंड एनएचआरसी गाइडलाइन वो प्रोटेक्ट होना चाहिए और आर्टिकल 226 में दिस कोर्ट को पावर है, इसलिए हमने ये एप्लीकेशन इमरजेंसी में लगाई थी। सेकेंडली उसके ऊपर सरकार के वकील ने जवाब दिया कि हम इसको करेंगे, थोड़ा मंडे तक का हमको टाइम दीजिए और वो लोग अभी ढूंढ रहे जगह। कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन जिस प्रकार कोर्ट ने क्या कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कोर्ट ने, मैं बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कुछ भी चीज अलग नहीं बोलनी है। कोर्ट ने जो कहा है द जजमेंट स्पीक्स बेटर देन मी। थाने पुलिस को कहा क्योंकि जगह को लेकर कितने जगह पे आप लोग गए थे या पुलिस गई थी जो बता रहे हो? एज पर माई इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट वो अमरनाथ में गए थे, वहां के सीईओ अड़ंगा डाल रहे हैं, हमने डिमांड की है सीईओ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जानबूझ के, अगर जगह नहीं दी है सिर्फ पब्लिक प्रेशर के ऊपर ये कर रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। अगर हम शिवाजी महाराज के अपने वंशज कहते हैं तो शिवाजी महाराज के राज में तो अफजल खान को भी अच्छे से दफनाया गया था, वो तो कितना बड़ा क्रूर था। जीजा माता ने बोला है कि शिवबा तुझा विरोधक जो पर्यंत तो जीवंत होता तो पर्यंत ऐसी वैर होता। जीजा माता का कहना अगर ये लोग नहीं माने का है कि शिव से क्या धमकी भरा फोन भी आ रही है, धमकी वगैरह आ रही है, सोशल मीडिया पे हमारे को भी आ रही है, सबको आ रही है, हमने सीएम को और गृह मंत्री को भी लिखा है वो। लेकिन देखिए लड़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। जगह को लेकर कहाँ रुक रही, कौन अड़चने डाल रहा है? देखिए सरकार की मंशा होगी ना तो एक मिनट में जगह दे देगी। आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि क्यों नहीं दे रहे, इतना पॉलिटिक्स करना क्या है, ये चीज गलत है।